साल से उसकी कोई खबर नहीं है। जिंदा है। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ये नई चीज आधार कार्ड, सेल फोन और ये रुपए, सब याद है ना? तेरा ही से अंदर घुसना है, फिर लखीमपुर बस पकड़ कर जाना है, लखीमपुर में 2 महीने रहना है, फिर उरी ट्रेन से जाना है, वहां जाकर ये सेल फोन ऑन करना है और बाकी के ऑर्डर्स वहीं से लेना है। और किसी हिंदुस्तानी लड़की के इश्क में नहीं पड़ना है। शाबाश बच्चा, चलो। केटा पाकिस्तान का रहने वाला, 8 साल की उम्र में मां मर गई, 2 साल बाद बाप अफगानिस्तान में मारा गया। मुझे फैमिली हिस्ट्री नहीं चाहिए, उसे दामाद नहीं बनाना। पॉइंट पे आओ। इंटरोगेशन में इसने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा इंडिया में एक और अटैक प्लान कर रहा है। कहां? वो उसे नहीं पता। उसे पता है, उगलवा उससे। सर उसे हम लिमिट तक ले जा चुके हैं, पता होता तो अब तक डेफिनेटली बता देता। सर अगर ये अटैक हम रोक भी लें तो अगला अटैक नहीं रोक पाएंगे। सर कौन है ये? समित मिश्रा, नई डेप्यूटेशन पे आया एनटीआरओ से, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। सर वो लोग हम पे फिर से अटैक करेंगे, बार बार अटैक करेंगे, जब तक इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक ये लोग अटैक करते ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग कितने भी अटैक करें हम लोग तो कभी कुछ नहीं करते सर, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं सर। सर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सारे अटैक्स रोक सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। सर जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे प्लान पे ठप्पा लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा सरकार में। लेकिन सर सरकार में किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? कहां से लाए हो इस पागल को? क्यों नहीं सर? क्योंकि हम अमेरिका नहीं हैं। रॉय तुम क्या एक और जंग कराना चाहते हो? सर उनके एक और हमले की देर है, जंग तो वैसे भी छिड़ जाएगी। तुम बिल्कुल उन बेवकूफ लोगों की तरह बात कर रहे हो जो रात दिन फेसबुक पर चीखते रहते हैं लेट्स गो टू वॉर, लेट्स गो टू वॉर। 100-200 का बदला लेने के लिए हम हजारों लाखों जाने नहीं गंवा सकते। सर एक बार आप पीएम साहब से बात। दिस मीटिंग इज ओवर, वापस ऑफिस चलो। इस कमरे में अभी जो कुछ कहा या सुना जाएगा उसका एक लफ्ज भी ना तो तुम्हारे कोलीग्स, ना तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, बीवी, दोस्त, पड़ोसी या कुत्ते के कान में भी नहीं पड़ना चाहिए। Am I clear? Yes, sir. Let's do it. सर ये तो सुसाइड मिशन है, टीम का जिंदा वापस आना पॉसिबल ही नहीं। टीम नहीं होगी। मैं भी एग्जैक्टली ये सोच रहा था सर। तो सर आपके दिमाग में कोई है? कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं हुए तो गए। माँ बाप के साथ रहता है? नो नो, ये अपना नॉर्थ की फाइल नहीं भिजवाई? नो, आर्मी वालों भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, वो भी नहीं भिजवाए। नहीं चले। आप थोड़ा जल्दी करिए, बहुत लेट कर रहे हैं। टू हाई प्रोफाइल विल अट्रैक्ट अननेसेसरी अटेंशन। How many times I have to remind you यार? नहीं। जितना जल्दी हो सके मुझे क्लासिफाइड फाइल्स भेजो। जो सत्यजीत बग्गा, BSF ऑफिसर्स वाली। मैक्सिमम कल तक मुझे ये सारी कुछ मिल जानी चाहिए। नहीं चलेगा। I have these 3-4 options. It's too old. बहुत देर हो गई। आगे तो नहीं निकला है? है तो यहीं कहीं। Address does not exist. सारे पेजेस आपने खाली छोड़ा। क्या करेंगे इसका? आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दें। Too old. नहीं चलेगा।
ना पासपोर्ट है, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना राशन कार्ड। सर फेसबुक पे भी नहीं है, ना ट्विटर। सर ऑन पेपर ये है ही नहीं, बिल्कुल फैंटम की तरह। कौन है सर फैंटम? अरे ये कौन है? ओ सर सर इंटरनेट पे बस इस एक न्यूज के अलावा और कुछ नहीं है, वो भी बहुत पुरानी है और बिना किसी फोटोग्राफ के। सर सर बस इस छोटी सी प्रॉब्लम के अलावा परफेक्ट आदमी है सर। छोटी सी प्रॉब्लम? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सर यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। सर ट्रस्ट मी, दिस इज आवर मैन। दानियल खान, सर उसने तो मना कर दिया है। क्या मतलब मना कर दिया? तुम लोगों को इतनी दूर मैंने इसलिए भेजा कि वो मना कर देगा और तुम लोग भागोगे? ओके सर, हम फिर से ट्राई करते हैं। और पैसे जितने भी तुम चाहो। पैसों का मैं क्या करूंगा? मैं तो मर चुका हूंगा। तो मुझे कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी बनने का कोई शौक नहीं। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। लीजिए मुझे तुम्हारे पैसे और इज्जत। फौज से तुम्हें बेइज्जत करके निकाल दिया था दानिया। हम तुम्हें अपनी खोई हुई इज्जत कमाने का मौका दे रहे हैं। सर उसने तो साफ साफ मना कर दिया। क्या कहा उसने? तो अब क्या करना है सर? ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। ओके सर। ये नियायती बेवकूफी वाला आइडिया किसका है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सिर्फ 10 जाहिल सड़क छाप लौंडे दे दीजिए और मैं दुनिया के एक सबसे बड़े शहर में तबाही मचा दूंगा, तो आप उसे भी बेवकूफ़ी कहते है ना? आप ज़रूर कहते सर, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया। और अगर वो 10 जाहिल लौंडे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो जाहिल थे, मैं नहीं हूं। तुम्हारे अब्बा कर्नल उस्मान खान, कितने साल हो गए उन्होंने तुमसे बात नहीं की? जरा सोचो, इंडियन आर्मी में तुम्हें फिर से देखकर वो कितने खुश होंगे। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें आर्मी में अपनी पूरी इज्जत के साथ वही जगह फिर से दे दी जाएगी। वो हमारे लोगों को मारते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं जब दोनों देशों में जंग हो जाएगी। आप जो करना चाह रहे हैं उससे बेशक जंग होगी। नहीं होगी, अगर उन लोगों की मौत एक्सीडेंट लगे। वो बेवकूफ नहीं है, उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इसके पीछे हमारा हाथ है। हम तो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि इसके पीछे हम हैं, लेकिन हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। दुनिया की नजरों में वो एक्सीडेंट्स होंगे। देखो दानियाल, हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। पिछले 10 साल में 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भी मारे गए इन सब से रिलेटेड वायलेंस में। हमें 26/11 का जवाब देना पड़ेगा। और एक बार अगर लश्कर को समझ में आ जाए कि हम पर अटैक करने का क्या नतीजा होता है, अगली बार अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। लेकिन मैं क्यों? I'll be honest with you, Daniel. दुनिया की नजर में तुम गायब हो चुके हो, और अगर तुम 2-3 महीने के लिए कहीं चले भी गए तो कोई नोटिस नहीं करेगा। और अगर मैं वापस नहीं आया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हम दोनों जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, और इसके बाद तुम्हें ना तो कोई मेडल मिलेगा, ना ही किसी न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे फोटो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने किया क्या है, क्योंकि ऐसा कोई मिशन था ही नहीं। पासपोर्ट, टिकट, सेलफोन, सिर्फ इस नंबर से कॉल करना। ये कॉल्स किसी तीसरे कंट्री से रीरूट होकर हम तक आएगी। वैसे तो हमें कॉल ही मत करना, क्योंकि हम तुम्हें जानते नहीं। कैश, कार्ड्स, लॉकर की और कल के मैच की टिकट। नवाज विल मीट यू देयर। हजार लोग हैं, अगर वो यहाँ है तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन है उसे ढूंढने के लिए।
तुम नवाज हो? 10% सीट स्मोकिंग एरिया में है और वो एक चेन स्मोकर है, तो चांसेस आर वो यही होगा। तुम उसे आइडेंटिफाई क्यों करना चाहते हो? रॉय एक नई फाइल बना रही है उन लोगों की जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व थे, एंड एज यू नो इस आदमी की एक ही एग्जिस्टिंग फोन है और वो भी पुरानी। Is that him? तुम उसे अच्छी तरह पहचानती हो? उसे कोई अच्छी तरह नहीं पहचानता, मैंने सिर्फ एक बार देखा है, उसके बाद उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। तो फिर हम किसे ढूंढ रहे? Don't worry. Intelligence reports के मुताबिक चकल ज्यादा नहीं बदली है। Wait! Stop! What's happened? क्या हुआ? वो यहीं कहीं होगा, वो अपनी सिगरेट का फिल्टर तोड़ के पीता है। What are you doing? Can you get off the ground, please? इसके वैक्यूम क्लीनर में वैसे ही फिल्टर्स होंगे। Can you get out? अभी देखा मैंने एक। Guys, I've got a job to do here. Leave this. What are you doing? Can you please get? Guys. तुम लंदन में क्या करते हो? हम सिर्फ काम की बात करें। I'm a security consultant for Darkwater. It's a private company. जो high risk zones में supplies, security और weapons training provide करते हैं। किसे? जो भी हमें afford कर सके। तुम्हारा रॉ से क्या connection? मेरी मदद क्यों कर रही है? 10,000 pounds. I identify him. I get the money. 10,000 pounds? You can buy me a drink then. साहब, हमारे लोगों के लिए आजमाइश का वक्त, आपने जो हमारी मदद की उसकी हम तहे दिल से कद्र करते हैं। वो ही है। लेकिन तुमने अभी तक उसे ठीक से देखा भी नहीं। लेकिन उसकी आवाज, उसका सलाम करने का तरीका बिल्कुल वैसे है। इस आदमी को हमारे सिर्फ एक एजेंट ने देखा है, नवाज मिस्त्री।
उस वक्त वो मेडिसिन इंटरनेशनल के लिए काम कर रही थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अक्टूबर 2005 के अर्थक्वेक में 75,000 लोग मारे गए थे और लाखों जख्मी हो गए थे। उस टाइम वहां दुनिया भर से मेडिकल एड वर्कर्स जा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको इमीडिएटली वहीं पे वीजा दे रही थी। नवाज भी वहीं थी। बस यही एक फोटो है उसकी जो उसके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में थी जब वो क्रिकेट फैन बनकर 2005 में इंडिया आया था, लेकिन उसके बाद उसने लौट कर अपना चेहरा बदल लिया, प्लास्टिक सर्जरी। हमें किसी तरह कंफर्म करना पड़ेगा कि वो है। ओके, तुम उसके पीछे जाओ, अगर वो वापस आने लगे तो मुझे फोन करना। तुम कहाँ जा रहे हो? I have to be sure कि वो है। साजिद मीर लश्कर का टॉप मिलिट्री ट्रेनर, साजिद माजिद, साजिद बिल, अंकल बिल, अबू बरा, सब इसी के नाम है। 26 पासपोर्ट्स है। 26/11 के सभी टेररिस्ट को इसी ने ट्रेन किया, सारे ऑपरेशंस की प्लानिंग की, और उस रात कराची से हमारे न्यूज चैनल्स देख देख कर उन टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शंस दिए। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा करो उसे, गोली सीधे सर से निकलनी चाहिए। हाँ बस चला दो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। क्या हुआ? He's coming back. पता लगा यही है कि नहीं? हेलो, हेलो। नहीं, तुम्हें पास से जाकर पता लगाना होगा। Are you crazy? मैं कह रही हूँ, I'm pretty sure. Are you 100% sure? Yes, almost. हम तुम्हें almost sure होने के लिए 10,000 pounds नहीं दे रहे हैं। I need you to be 100% sure. What do you want to do? अरे lighter मांगो, जरा पास से दिखेगा। Excuse me. Can I have light?
आदमी और बच्ची। किसकी बात कर रहे हो? जो भी ग्रीन वॉक्सवैगन से निकले। What are you talking about? नील के साथ बिल्डिंग में गए, उन्हें बाहर निकालो now. Why? Their lives are in danger. Get the old man and his daughter out now. Excuse me, sir. वो ग्रीन वॉक्सवैगन आपकी है? हाँ, क्यों? वो गाड़ी का अलार्म बज रहा है। अलार्म? अब जल्दी आइए। उसने कितने लोगों को मारा है? 6 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। नॉट एट माय कॉस्ट। दिस इज नॉट द वे आई वर्क। Sir. The massive explosion that ripped through the apartment block behind me reportedly killed 2 people. London police say that the explosion was caused by a gas leak. According to the local councillor, one of the men was a Pakistani businessman called Abid Ansari. Other unconfirmed sources say he was also called Abu Bara. Residents of this area are shocked by this incident. Number 06CF505, State of Illinois versus Jude Rosario. We, the jury, find the defendant guilty of second-degree murder of Matthew Brody. कोलमैन हेडली मुंबई अटैक्स को प्लान करने में लश्कर का सबसे खास आदमी। माँ अमेरिकन है और बाप पाकिस्तानी। पैदाइशी नाम दाऊद गिलानी, लेकिन 2006 में अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लिया और एक नया अमेरिकन पासपोर्ट बना लिया। इस वेस्टर्न नाम की वजह से उसका इंडिया आना जाना आसान है। हिंदी उर्दू अच्छी तरह समझता है, लेकिन लोगों को कहता था कि वो एक अमेरिकन है। हेडली ने मुंबई में टारगेट्स ढूंढे, GPS कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे किए और कॉन्टेक्ट्स बनाए। अपने हर दौरे के बाद पाकिस्तान जाकर लश्कर को वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाता रहा, उन जगहों जहां से टेररिस्ट आसानी से घुस सकें, अटैक कर सकें और वक्त पड़ने पर वापस लौट सकें। 2009 में हेडली शिकागो एयरपोर्ट में पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका ने उसे इंडिया को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। अब वो शिकागो जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। सर,
हेलो, उस कार्ड ने बताया कि आप भी इंडियन है। यूएस। यहाँ ऐसे आए, मतलब क्या क्या मर्डर? पता ना कौन है, अमीना खरी का मंग करता है, जान ले लो उसकी। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज पूरे हफ्ते की ड्यूटी अलॉट होने वाली है। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे काम करने के लिए? वो तो काम पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा पैसे किस काम के मिलते हैं? MP3 player and battery. $90. Next. You Indian? Yeah. What are you in for? Murder. What are you in for? जैसी आंखें हैं उसकी, जब भी देखता हूँ ना मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है गुस्से से। वो कह रहे भगवान का इसे लेके जा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ आप वाला काम हो जाता। ऑर्डर कहाँ ले जा रहे? टेक्सास हाई सिक्योरिटी जेल में। हेलो। हे बेबी, झूठ बोल रहा हूँ। Who's this? उस दिन क्रिकेट मैच के बाद मैं ठीक से बाय नहीं बोल पाया। So sorry. मेरे घर का नंबर यहाँ से लग नहीं रहा है। तुम्हें तो पता है ना कितना मुश्किल होता है। और मेरे यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है तो सोचा तुम्हें फोन कर लूँ। क्या काम है? मुझे $100 चाहिए। अभी? ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हो प्लीज? वेबसाइट का एड्रेस लिखो। jpay.com, लोकेशन इलिनॉय, शिकागो, आईडी नंबर 24686। हेलो, मेरे पास पैसे नहीं है। शिट।
24686. I got a money transfer. For me? Yeah, $200. Sign here. घर वालों ने ऐसा भेजा है? अच्छा है, अच्छा है। In the commissary? Yes. Where's the receipt? Plan kya hai? Succinyl choline. Succi kya? Succinyl choline, a quick acting depolarizing paralytic muscle relaxant. Perfect poison hai, jiska na to koi nishan milta hai aur jiska chhota sa dose bhi kafi hota hai. Nikalne ki bhi zarurat nahi. Zuban par touch hote hi asar karna shuru kar deta hai. दुबई में महमूद अल मबू के असैसिनेशन में मोसाद ने इसी का इस्तेमाल किया था। सीसीटीवी कैमरा पे पकड़े गए, वरना कभी पता ना चलता कि वो कैसे मरा। मिनट के अंदर अंदर बॉडी के सारे मसल्स लॉक हो जाते हैं। कम से कम 5 मिनट तक आदमी सांस नहीं ले पाता। अगर ऑक्सीजन ना दी जाए तो आदमी खत्म। पुलिस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। You have a visitor. I have good news. They found Matthew Brody. They found him. He swam out of the river before the rescue team arrived. So now what? You're a free man. We'll get you out of here by tomorrow.
हेलो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरा नाम दनियाल खान है, मैं हाई कमिश्नर से बात करना चाहता हूँ। जी मैं जान सकती हूँ किस सिलसिले में? मेरे पास साजिद मीर की मौत का इन्फॉर्मेशन है। दिस इज हाई कमिश्नर शहरयार बेग। साजिद मीर का मरना कोई हादसा नहीं है, उसे रॉ ने मारा है। I wanted to thank you. I don't need your thanks. I just need to know what the hell you've got me into. क्या चाहते हो? इंडियन आर्मी से निकाले जाने की बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं पाकिस्तान में लश्कर के लीडर से मिलना चाहता हूँ। जब तुम उनको खुद बता रहे हो कि साजिद मीर को इंडिया ने मारा है, तो एक्सीडेंट्स का दिखावा करने का क्या फायदा हुआ? वो तुम्हारा एविडेंस दुनिया को दिखा के इंडिया की अगेंस्ट केस बना सकते हैं। पिछले 6 साल से पाकिस्तानी अथॉरिटी सारी दुनिया से कह रही है कि साजिद मीर जैसा कोई आदमी है नहीं। अब जो कोई है नहीं, उसे कोई मारेगा कैसे? और हाई कमिश्नर ने क्या कहा? ब्लडी फूल, तुम क्या समझते हो कि मैं लश्कर का मुलाजिम हूँ? मैं पाकिस्तान का हाई कमिश्नर हूँ, लश्कर का नुमाइंदा नहीं। आइंदा यहाँ फोन मत करना। तुमने रॉ क्यों छोड़ा था? इन बातों का क्या फायदा? I have to go. कहाँ जा रही हो? बेरूत। बेरूत क्यों? तुम बहुत सवाल पूछते हो। हमारे प्रोफेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन के पैसे लगते हैं। Well, मैं तुम्हारी कॉफी के पैसे दे सकता हूँ। सीरियन रेफ्यूजी कैंप्स को हम सिक्योरिटी और मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। सीरिया? उस जंग में तो पाकिस्तान से लश्कर के भी फाइटर शामिल है। एक कप कॉफी के लिए तुम्हें काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है। Good luck. Hello, Pakistan High Commission. How may I help you? मैं दानियाल खान बोल रहा हूँ। Okay, hold कीजिए। Sir, वही दानियाल खान का फोन है। कहता मैं नहीं हूँ। Sorry, sir. The High Commissioner is not here at the moment. Thank you. Do you know when? साजिद मीर के बारे में क्या जानते हो? साजिद मीर की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मरवाया गया था। तुम्हें किसने कहा कि साजिद मीर मर गया है? चलो साजिद मीर नहीं तो आबिद अंसारी या साजिद माजिद या अबू बारा, इनमें से एक तो जरूर मरा है। मेरे पास प्रूफ है कि उस कमरे में जो आदमी था वो ये सारे नाम इस्तेमाल करता था। देखोगे? लंदन से क्यों फोन कर रहे हो? या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे समझ लो। एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर इंडिया से तुम लोगों को क्यों कॉन्टेक्ट करेगा? अपना नंबर दे दो। नहीं, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। अपना नंबर दो। लिखो। क्या लगता है फिरोज? सर मुझे तो इस आदमी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। लेकिन उस गैस एक्सप्लोजन में जो मारा गया था वो साजिद मीर था, ये इसको कैसे पता चला? क्या प्रूफ हो सकता है उसके पास? मुझे तो कोई चाल लग रही है हैदर साहब। लेकिन अगर सच कह रहा है तो यह हमारे बहुत काम आ सकता है। और पता लगाओ इसके बारे में। हमसे क्या चाहते हो? मुझे पाकिस्तान आकर लश्कर के हारिस सईद या सबाउद्दीन उमवी से मिलना है। तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते। लंदन में हमारे एजेंट हैं, उनसे मिलो और अपना प्रूफ दिखाओ। मुझे तुम्हारे एजेंट से नहीं, लश्कर के लीडर से मिलना है। अफगानिस्तान आओगे? नहीं, वहां इंडियन एजेंट्स बहुत हैं। उनकी नजर में आ सकता हूं। फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक जगह है सीरिया, वहां भी तो लश्कर के लोग हैं। पांच मिनट में फोन करूं। सर सीरिया? सही जगह है, वहां लश्कर के लड़के और हमारे लोग भी हैं। अगर सच कह रहा है तो पाकिस्तान ले आएंगे, अगर झूठ बोल रहा है तो और एक बॉडी सीरिया में कोई नहीं गिनेगा। पहुंचो सीरिया, अकलमंद हो तो लश्कर के लोगों से वहां रब्ता कर लेना। लेकिन
What? मुझे सीरिया जाना है। तुम पागल हो क्या? It's a war zone. मुझे वहां लश्कर के लोगों से मिलना है। तो जाओ। हर सफदर जिहादी सीरिया जा रहा है लड़ने के लिए। तुम भी चले जाओ। वहां कोई वीसा पासपोर्ट थोड़ी ना पूछ रहा है। लेकिन लश्कर के लोग कहां हैं? ये सिर्फ तुम लोगों को पता है। मैं खुद ढूंढने की कोशिश करूंगा तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। I don't have so much time. दानियाल, मैं नहीं जानती लश्कर के लोग कहां हैं। हम सिर्फ रेफ्यूजी कैंप्स को कमांड नवाज। डार्क वाटर असलियत में क्या करती है हम सब जानते हैं। ये रेफ्यूजी कैंप सिर्फ एक फ्रंट है। सीरिया में जो सारे जिहादी लड़ रहे हैं उन्हें अमेरिका हथियार सप्लाई करती है डार्क वाटर के थ्रू, और लश्कर भी उन रेबल फोर्सेस में शामिल है। तो तुम लोगों को जरूर पता होगा कि वो कहां है। तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? आईएसआई ने लश्कर को पहले से बता रखा है तुम्हारे बारे में। तुम रॉ एजेंट हो मालूम है हमें। मैं रॉ एजेंट नहीं हूं। अभी तक टूटा नहीं है कुरैशी साहब, यह दिया इसने। ये कहां से मिले तुम्हें? मेरी सोर्सेस। अगर मुझे ये मिल सकता है तो सोचो और क्या क्या मिल सकता है। बोल कहां से मिले? मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बस एक मौका चाहिए। मिलिट्री फैसिलिटीज, एयर बेसिस, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। लड़ाई की वजह से सारे सिग्नल टावर्स गड़बड़ है, नेटवर्क बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मैं सलाहुद्दीन जाकर भेजता हूं। अगर आप मुझे पाकिस्तान नहीं ले गए तो यकीन मानिए उम्र भर आप इस बात का अफसोस करेंगे। अफसोस हमें होगा या तुम्हें, यह पाकिस्तान में हमारे सदर तय करेंगे। जब तक उनसे बात नहीं हो जाती इसे यहां रखो। जरा follow them and let me know where they're going. लगता है फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। Shit. I see this fast. हेलो कुरैशी साहब, इसका क्या करें? निकलो जल्दी। ठीक है,
गवर्नमेंट फोर्सेस एडवांस कर रहे हैं। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा था, सब बर्बाद कर दिया तुमने। अगर कुछ गड़बड़ लग रही है, इस इलाके से जल्दी बाहर निकलो। क्यों नहीं भेजा अभी तक? जल्दी सर, सिग्नल खराब है, फोटो नहीं जा रहा। दानियाल खान कौन है पता करो। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हमें भी ये गेम खेलना आता है। गैस एक्सप्लोजन में मारा गया, बिल्कुल साजिद मीर की तरह। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता।
उनको पता चल गया सर। सर सीरिया में जो हुआ उसकी वजह से सर बता दो। Shit. Is there a connection between these two deaths, Mr. Singh? बड़ा ही सीधा कनेक्शन है। गैस एक्सप्लोजन के बदले गैस एक्सप्लोजन। राजन संपत की मौत एक रिवेंज किलिंग है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ISI एजेंट की मौत के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है? रॉय, क्या तुम्हारे लोगों ने साजिद मीर को मारा है? नो सर, हमारे लड़कों के इन्वॉल्वमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता। सर ये सब करने का हमारे पास परमिशन कहाँ है? बिल्कुल नहीं है रॉय, और इसे याद रखना, बिल्कुल नहीं है सर। सर सीरिया में जिसको तुमने मारा वो लिस्ट में नहीं था डैनियल। सर मैं बता चुका हूँ, थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, और कोई रास्ता नहीं था। दैट वाज अ स्टूपिड मिस्टेक। अब वो सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। इससे पहले कि बात और बिगड़े तो वापस आ जाओ। सर वो वीडियो नहीं भेज पाया था, वो लोग सिर्फ मेरा नाम जानते हैं। वी कैन स्टिल मीडिया में बात ही शुरू हो गई है, गवर्नमेंट के लोगों को शक हो गया है। वी विल बी इन सीरियस ट्रबल। लेकिन सर द मिशन इज ओवर, वापस आ जाओ राइट नाउ। सो दैट्स इट। मुंबई अटैक्स के पीछे जो सबसे बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान में आराम से बैठे हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। अब तक तुमने जो भी किया सब बेकार हो जाएगा। It don't mean nothing. अगर पहली मुसीबत पड़ते ही घर वापस भाग जाना था तो उस मिशन के लिए हाँ ही क्यों कहा? मैं भाग नहीं रहा हूं नवाज, मैं भाग नहीं रहा हूं। आर्मी में मेरा एक जवान था, दिलावर सिंह। हर सुबह बड़े जोश में मुझे सलूट करता था। उस सलाम में जो इज्जत थी, जो जज्बा था, पता है मैंने इस मिशन के लिए हां क्यों कहा? क्योंकि मैं दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूं, वही सलूट चाहता हूं, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। क्या हुआ था? डोडा सेक्टर में हम अपनी विंटर पोस्ट को बचाने में लगे हुए थे। 72 घंटे से लगातार शेलिंग चल रही थी। रेडियो, रेडियो डाउन है सर। सर ग्रीन फोर्स में नहीं आती है तो हम लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। हम वहां से सिर्फ 4 घंटे दूर हैं। दो जवानों को तैयार करो। सर मैं जाता हूँ सर। कोई भी आदमी चलने की हालत में नहीं था। 3 दिन से ना कोई सोया था, ना किसी ने कुछ खाया था। अपने आदमियों को बंकर में छोड़ के मैंने अकेले जाने का फैसला किया। जितने भी आदमी थे सब मारे गए। मुझे आर्मी से निकाल दिया, अपनी पोस्ट को, अपने आदमियों को छोड़ के भाग जाने के इल्जाम में। डैनियल, मैं हमें पाकिस्तान ले जा सकती हूं। हमें
आप वहां जाइए। अस्सलाम। आप भी आइए। अस्सलाम। लुक इन द कैमरा। आरिफ मिर्जा जी, what is the purpose of your visit? I'm Medicine International ke saath kaam karta hoon. It's good to have you back in Medicine International now. Thank you so much. This is Arif Mirza from South Africa. He's done extensive work with NGOs in Namibia and South Africa. Can I see your ID card, please? Kitne din ke liye ruka hai? 10 din ke liye. Thank you. Excuse me. This way, please. एक आदमी पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में इतनी देर क्यों लग रही है? दनियाल खान पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दो हफ्ते हो गए हैं और तुम उसका कोर्ट मार्शल हुआ था, ये सही है, इंटरनेट पर रिपोर्ट भी हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि उसके वालिद एक रिटायर्ड कर्नल हैं, माँ बाप देवलाली में अकेले रहते हैं। US Embassy को फोन करो, मुझे हर उस कैदी की फाइल चाहिए जो हेडली के मरने के वक्त शिकागो जेल में था। फिरोज, हमारे किसी आदमी को बोलो दानियल खान के अम्मा अब्बा को सलाम कराएं। मैंने मना किया था उसे। हाँ सर, इसके बावजूद वो पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन अब जब वो वहां पहुंच गया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा सर। भरोसे का आदमी कौन है? सर खालिद, मोहल्ला जौहर में 3 साल से एक ढाबा चलाता है, हारिस सईद के मूवमेंट्स पर नजर रखने के। लाहौर कॉन्सुलेट में विनय को कहो कि वो दानियल को कॉन्टेक्ट करे। विशाल सिंह, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वोटिंग कार्ड के लिए कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। फैमिली में कितने लोग हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। मैं आपके हस्बैंड और बेटे की फोटो देख सकता हूँ? फोटो नहीं, वो चेक करना है, क्या इलेक्शन सर पर है? जाली कार्ड के बहुत केस हो रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ने कहा था, इसीलिए वी आर डूइंग दैट ऑल चेकअप वगैरह, फोटोज वगैरह। दानियल खान, इनका फोटो देख सकता हूँ? अभी का नहीं है, थोड़ा पुराना है। हाँ चलेगा। हाँ ठीक है, एक मिनट, फोटो मिल गई सर, और वो कह रहा थोड़ी पुरानी है। भाईजान, एक एक रुपया लौटा दूंगा, खुदा की कसम। महीने का 2000 रुपल्ली नहीं कमा पाता, 1 लाख लौटाएगा। भाईजान सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं आसिया से, एक बार शादी हो जाए मेरी, देखना नसीब भी बदल जाएगा। शादी का खर्चा तो लड़की वाले देते हैं। हाँ, गरीब घर की लड़की है भाईजान, पूरी बिरादरी को कहाँ खिला पिला पाएंगे? और तू साला शाहजहां की औलाद है, तो आप ऐसे नहीं देंगे भाई। अरे कहाँ जा रहा है, और ये कौन रखेगा? इस मोटे से करवा लो, बैठे बैठे जलेबी खाता रहता है, पता नहीं पता मेरी कुछ। क्या लेंगे जनाब? एक चाय, 2 समोसे। लगा दे। और नीली पाठक वाले कह रहे थे आपके शक्कर पारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शाम को ही मिलेंगे। लश्कर ए तैयबा का सुप्रीम लीडर हारिस सईद, दुनिया की हर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम है, लेकिन खुलेआम घूमता है बिना किसी डर के। एक तरफ कलाश निकल लिए लश्कर के आदमी इसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस एंड ऑफ कोर्स द ISI। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके सर पे $10 मिलियन का इनाम रखा है, और घर का पता सब जानते हैं। He is also on Twitter। और उम्मी, क्या से वाकई रावलपिंडी जेल में रखा है? जेल कहां जनाब, होटल कहिए होटल। जब से वहां गया है 2 बच्चे पैदा कर चुका है। पाकिस्तान सरकार को भी तो अमरीकियों को दिखाना पड़ता है कि रे भाई, लश्कर को दबाने के बारे में हम सीरियस हैं। सो नाम के लिए भेज दिया जेल में। ओ, 5 दिन बाद बहुत बड़ी पब्लिक रैली होने वाली है हारिस सईद की। दानियल, किसी तरह से अगर एक हमारे हाथ में आ भी गया तो फिर दूसरे तक पहुँचना नामुमकिन हो जाएगा। पूरी पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी हमें ढूंढने लगेगी। Unless इंडिया ये चाहता है।
कि पाकिस्तान की ज़रात और सनअत को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान आज इस हद तक कमजोर हो गया है और आज तू दिल्ली में बैठ के ये कह रही है कि मैंने सर की कीमत मुकर और तुम्हारे लाख की तो बात है भाईजान, खुदा कसम फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कहाँ का नवाब है तू जो 1 लाख चाहिए? शादी सिर्फ एक बार होती है भाईजान, उसमें दोस्त रिश्तेदार बिरादरी सबको अपनी खुशी में शामिल करना है और 1 लाख कोई ज्यादा नहीं होते हैं। खाना पीना डेकोरेशन टेबलें कुर्सियां हैं फोटो लाइटें स्टीरियो सब मिलाकर उतना ही होता है खुदा की कसम। कब हो रही है शादी? सर ये पैसे दे दे तो हम आज ही कर लें। अम्मी भी गाँव से आ गई है गोटे का दुपट्टा ओढ़ कर, बेचारी बारात निकलने के इंतजार में दरवाजे भी टकटके लगाए बैठी रहती है कि कब आएगी उनके शहजादे शहजाद की बारात। खुदा की कसम। अबे जितनी चाहे कसमें खा ले, मैं एक ढेला भी नहीं देने वाला। अरे इनसे अच्छे तो वो मुजाहिदीन थे, तिरेनी कैंप में दाखला दिलवा रहे थे 3,000 रुपए महीने का, एटोमेटिक बंदूक और बूट भी दे रहे थे। और अब तक तुझे फौत भी कर चुके होते तो क्या हुआ, जन्नत ही तो जाते, तुम्हारी दुकान से अच्छी होती। जन्नत जाएगा बस। उम्मी को कमर दर्द का पुराना प्रॉब्लम है, लाहौर से हर हफ्ते डॉक्टर जेल जाता है इंजेक्शन देने। डॉक्टर की अगली विजिट कब है? हर जुमरात को जाता है, यानी अब की 14 तारीख को जाएगा। रैली से एक दिन पहले डॉक्टर को किसी तरह अप्रोच कर सकते हैं? सोचना भी मैं, 20 साल से है साथ उनके, डॉक्टर कम लश्कर का वफादार ज़्यादा है, न दम से मानेगा न दाम से। लेकिन हाँ, डॉक्टर की एक पुरानी नर्स है अमीना भी। अमेरिकियों ने शिकागो वाली फाइल्स भेज दी हैं। ग्रेट, मुझे हर फाइल का प्रिंट आउट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बोलिए जी। वो स्कूल का प्रोग्राम है, किराए पर सामान उठाना था। क्या क्या लगेगा जी? वो अब जलसे तकरीरों में नहीं लगते हैं बड़े वाले माइक, वो ऐसे वाले? जी हाँ, यही। हरीश साहब की रैली 15 तारीख को है और उम्मीद से मिलने डॉक्टर 14 तारीख को जाएगा। हमारे दोनों प्लान सक्सेसफुल भी हो जाए तभी हम दोनों को एक बार खत्म नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है अगर उम्मीद का डॉक्टर से मिलने 14 को नहीं बल्कि 15 तारीख को जाता है तो। और वो कैसे होगा? खालिद उस डॉक्टर के क्लिनिक में एक नर्स के बारे में बता रहा था। आपका अंदाजा सही था। रैली के लिए रशीद वाले ही साउंड इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। गुड। अच्छा सुनो, मुझे शहजाद की शादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शहजाद की शादी? मीना जी, वो डॉक्टर साहब 10 मिनट में निकल रहे हैं, हमीद आलम की दवाइयाँ मांग रहे हैं फौरन, पहले आप वो दे दीजिए। खाली देने के बारे में बात कर रहा था, हस्बैंड शादी के 1 साल बाद ही मर गया था, एक बेटा था अमीना बी ने उसे अकेले पाला, वो लश्कर के लिए सुसाइड बॉम्बर बन गया। खालिद कह रहा था कि बेटे की मौत के बाद लश्कर के कुछ लीडर्स आए थे हमदर्दी जताने और पैसे देने जो सुसाइड बॉम्बर्स के फैमिलीज को दिए जाते हैं, तो अमीना बी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अरे वो किसी की बात सुने दो, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में घुसने से भी मना कर दिया। दो दिन में शादी करवा रहा हूँ तेरी, सुन रहा है? शादी करवा रहा हूँ तेरी। भाई जाने से बेहूदे मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सच कह रहा हूँ। ये ले, पूरे 50,000 है और 1 लाख नहीं पूरे 3 लाख दे रहा हूँ। धूमधाम से शादी कर अपनी, बाकी के कल दे दूंगा, तेरे ही। देख क्या है, तेरे ही है। थैंक यू भाईजान, थैंक यू, थैंक यू। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपकी इतनी पाई चुका दूंगा भाईजान। छोड़ वरना शादी कैंसिल कर दूंगा तेरी। मैं जाके अम्मी को बताया, अब निकलेगी शहजादे शहजाद की बारात।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवाज मिस्त्री है, मैं वेलेसिन इंटरनेशनल के लिए काम करती हूँ। हम यहाँ एक मेडिकल रिलीफ कैंप चला रहे हैं, लेकिन वॉलंटियर्स की बहुत कमी है, खासतौर से मेडिकल स्टाफ की। आप पाकिस्तानी हैं? जी। लहजा अलग है। पारसी हूँ, फैमिली साउथ अफ्रीका में है पुश्तों से, लेकिन पाकिस्तान में कई साल काम किया है। हमें आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप इस क्लिनिक में काम करना चाहेंगी? जितना भी वक्त आप निकाल सकें। नहीं, आपके बेटे के बारे में सुना हमने, अरशद की उम्र की कई ब्लास्ट विक्टिम्स आते हैं हमारे यहाँ। आपने भी अपना बेटा खोया है, आप इन बच्चों का दर्द समझ पाएंगे। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। बस एक बार कैंप तक तो आ जाइए, एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए इन लोगों का क्या हाल है। हमें आपकी मदद की कितनी जरूरत है, फिर हाँ या ना आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। कितने फाइल्स हो गए फिरोज? करीब आधी हो गई हैं, कल रात तक पूरी हो जानी चाहिए। चार माइक, दो स्पीकर और डिस्कवरी लाइट्स चाहिए। शादी है। कब पड़ेगा शादी जी? परसों शाम को। परसों? बड़ी जल्दी आ गए ऑर्डर लिखवाने के लिए। बक्के शादी करवा रहे हो क्या? मजाक कर रहा था, 14 को नहीं हो पाएगा जी, 15 को रैली है। देखिए, सारा सामान आपकी दुकान में परसों रात ही पहुंच जाएगा, सही सलामत। वो सब ठीक है जनाब, लेकिन मुमकिन नहीं है ना, शेख साहब की रैली है। कहाँ घूमता फिरूंगा इन वक्त पर। वो सब आप देख लो जी। देखिए, पूरा का पूरा पेमेंट अभी कर देता हूँ, कैश में। हैं जी भाईजान, ऊपर से आप भी कुछ रख लेना। क्या क्या चाहिए? मैं अभी लेके आती हूँ। दो बच्चे हैं, 3 साल की बच्ची और 7 महीने का लड़का, जो मैं बाजार से उसके लिए खिलौने लेने गई थी। सिर्फ 16 साल का है, बड़ी मस्जिद वाली ब्लास्ट में दोनों टांगें चली गई। नहीं जानती थी वो कब इस रास्ते पर निकल पड़ा, पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करने देती, जिंदगी भर उसे खूंटे से बांध कर रखती। पर ऐसी दहशत कभी नहीं करने देती। आप बैठ जाइए। अल्लाह का कॉल है, जन्नत नसीब होगी, शहीद के चेहरे से नूर बरसता है, ये सब सिखा कर ले गए थे उसे। पॉलिथीन में भरकर जनाजा आया, नूर तो क्या, बदनसीब का चेहरा भी नहीं था, जिवा करके भेजा था मेरे बच्चे को। कांधा देने वालों को मैयत हल्की ना लगे, इसलिए कफन में अरशद के टुकड़ों के साथ पत्थर भर भर के भेजे थे। जो आपके साथ हुआ वो किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए। जो लोग मजहब के नाम पर बच्चों को अपनी माँओं से, अपने घर से अलग करके कातिल बना देते हैं, उन्हें तो जहन्नुम पहुंचा देना चाहिए। Thank you.
क्या आप नहीं चाहती कि जिन लोगों ने आपसे आपका अरशद छीन लिया उन्हें तो सजा मिले? कौन हो तुम? हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? इन बच्चों को कातिल बनने से बचाने में आपकी मदद चाहिए। निकल जाओ। आप कई और जवान बेटों की जिंदगी बचा सकती हैं। मैं कहती हूँ निकल जाओ। अपने बच्चे को गंवाने का गम जानती हैं आप? आप जैसी हजारों माओं का सोचिए। निकल जाओ अभी। बाजी खैरियत? बाजी दरवाजा खोलिए। सर, इन 2000 कैदियों में से 275 ऐसे हैं जो हेडली के बाद वहां आए। इनमें से 115 अब भी अंदर हैं। यानी कुल मिलाकर 160 ऐसे हैं जो हेडली के जेल जाने के बाद वहां आए और उसकी मौत के बाद वहां से रिहा कर दिए गए। इन 160 फाइल्स की डिटेल्स मुझे दिखाओ। मुंबई से मिलने कब जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कल। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कल के बजाय वो परसों आ जाए। जूड़ रजारियो, हेडली किलिंग के कुछ दिन पहले मैथ्यू ब्रोडी नाम के किसी स्टंटमैन के मर्डर के लिए अंदर हुआ था, लेकिन हेडली किलिंग के कुछ दिन बाद मैथ्यू ब्रोडी जिंदा पाया गया। मर्डर का कोई केस ही नहीं रहा, जूड़ रजारियो को छोड़ दिया गया। जी जी हाँ, बस आया आया। लाइए लाइए। शुक्रिया। आपकी सारी बातें जायज है डॉक्टर साहब, पर क्या करें, रूटीन है, करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। एक मिनट। क्या हो डॉक्टर साहब? हेलो। नबी, गलत इंजेक्शन का डिब्बा रख दिया आपने। बहुत बहुत सॉरी डॉक्टर साहब, पता नहीं कैसे। पता नहीं आपका ध्यान कहाँ रहता है आजकल। माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहब, दोबारा ऐसे नहीं होगा। कल फिर आना पड़ेगा। The last time. Do you know who this man is? I've told you. I don't know him. Oh. Now, do you recognize this man? Hey, so what's your show? Ah, ye theek hai. Sab theek hai. Bandho. सर, शिकागो वाले एजेंट के मुताबिक जूड रजारी ने पुल पर से गिरने के लिए मैथ्यू ब्रोडी को भारी रकम दी थी। फेक केस था सर, यानी ये आदमी जूड रजारियो जानबूझ के जेल गया था। आओ एजेंट। दो माइक और दो। इसमें इंजेक्शन है, आपका नया पासपोर्ट और टिकट। मैं आपको 10 बजे फोन करूंगी। किसी के कुछ भी पता लगने से पहले आप फ्लाइट में होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेस्टिंग। क्या जी भाई, ठीक ना? ये वाला काम नहीं कर रहा है। टेस्टिंग। अरे तो माइक खोल। नो दस्तरी के फोटो कहाँ है? रुको। वो अल्लाह के वास्ते भेजो। अरे एक मिनट रुक, गलत सॉकेट में डाल रखा है मत। अब चेक कर। टेस्टिंग। बंद। चल गया। बाकी के भी कर। आज है ना?
जब मैं छोटी थी हम कलाबा में रहते थे। मेरे पापा नौजर मिस्त्री, मिडिल क्लास आदमी थे, इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन नादिया मेरी बहन हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते थे। हमें अपनी शहजादियाँ कहते थे, माय लिटिल प्रिंसेसेस। कभी एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, या स्पोर्ट्स में कोई मेडल मिल जाए, या कभी यूं ही अगर हम उनकी गले लग जाए तो पापा हमें चीट करने ले जाते थे वहां ताश पे। हम सब अच्छे से तैयार होकर ताश की टीवी में जाते थे, चाय पीते थे चॉकलेट पेस्ट्रीज के साथ। फिर हम बड़े हो गए और पापा के साथ पेस्ट्री के लिए जाना अजीब लगने लगा। It just wasn't cool anymore. पापा भी समझ गए और धीरे धीरे हमारी छोटी सी ताज वाली टी पार्टीज बंद हो गई। उस दिन जब इन लोगों ने ताज पर हमला किया, उसे आग लगा दी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बचपन की यादों को आग लगा रहा है। ये सोचते कि ये जन्नत जाएंगे, इन जानवरों को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। जब हम यहां से निकलेंगे पता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? रात जाकर एक कप चाय पीनी चाहिए। शहजाद भाईजान, ये रुपए लो और यहां से जल्दी चले जाओ, अभी चले जाओ। हाँ क्यों, और ये पैसे तुम्हारे, लेकिन खुदा के लिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। बात क्यों ही बताओ ना, बात तो बताओ। कुछ नहीं मेरे बच्चे, बस तू यहाँ से चला जा, चला जा। भाईजान, भाईजान। सर, हैदर साहब, सर 10 तारीख को एंटर हुआ है पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट से। जोहर वाले इलाके का हर होटल, हर गेस्ट हाउस छान मारो, हर एस्टेट एजेंसी, हर ब्रोकर से पता करो, हो सकता है इसने कोई मकान किराए पर लिया हो। इंजेक्शंस बैग में डाल दिए। ठीक से चेक कर लिए? जी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह जाना पड़ रहा है आपकी वजह से। सब यहाँ एक घंटे में मिलते हैं।
एयरपोर्ट के लिए हम लोग यहीं से निकलेंगे। अनिया, कीप दी आप फिर अच्छे लग रहे हैं। ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ। भाजी डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर साहब चले गए। हाँ, अभी अभी गए हैं। तुम जल्दी आ गए। अरे टेटनस का बूस्टर शॉट। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बूस्टर शॉट का इंतजाम तो कर दूं। बाजी ये दूसरा डब्बा कहाँ से आ गया? कौन सा डब्बा? ये उंगी साहब की दवाइयाँ। ये बैग बेच। खिलौने वाली गड्डी है बेटे वास्ते। चल आगे बखा। जनाब अभी अभी लिए है। खोल खाल दूंगा बेटा बवाल मचा देगा। एक बार सुनया नहीं चला के रखा नहीं तो अपने बेटे वास्ते रह जाएगा। डॉक्टर साहब लाए होंगे? डॉक्टर साहब तो ऐसा कभी नहीं करते और लिस्ट तो मैं उनको देता हूँ लाने की। ये दवाई महीने में एक बार आ भी जाए तो एंट्री करके फ्रिज में तो मैं ही डालता हूँ ना। हाँ ना पता नहीं मेरी तबीयत खराब हो रही है मैं घर जा रही हूँ। बाजी क्या हो गया? बाजी बाजी सुनिए तो। ठीक है चल लग गए हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपने सारी दुनिया को बता दिया है कि हम पाकिस्तानी दीन इस्लाम की हिफाजत के मामले में किसी से डरते नहीं है, ना उस जालिम अमरीका से, ना उसके उस नाकाबिल एतमाद इंडिया से। अरे क्या चाहता है इंडिया? सर बुरा इलाके होटल भी चेक कर। सर और होटल से फोन आया वो नहीं रहा था वो चेकआउट कर गया। अभी दानियाल खान का फोटो शहर के कोने कोने में फैला दो। शेख साहब की रैली में जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं हर एक के हाथ में उसका फोटो होना चाहिए। आज तो सही शीशियां लाए हो ना डॉक्टर साहब। मैंने तो तुम्हें पहले भी चैलेंज किया था। क्या आओ किसी भी अदालत में हमें बुला लो हम साबित कर देंगे कि दहशतगर्द हम हैं या तुम। डॉक्टर साहब कहां जा रहे हो? चाचू आपके इंतजार कर रहे हैं। दर्द पड़ता जा रहा है जल्दी आइए फिर देखते। हाँ, हाँ, इंडिया वालों तुम कहते हो कि पाकिस्तान पर कार्रवाई करो। बेचारा ही बस चैनलों पर अपने मंसूबे बांधता रहता है। अदालत ने मुझे बाएहतराम रिहा किया है। जो सादिक कुरैशी के चालान की कॉपी लगा दी थी। अदालत के रास्ते मसला हल नहीं करना चाहता तो फिर क्या चाहता है इंडिया? सबाहुद्दीन उम्मीद लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडिंग मेंबर है। जब
कसाब और बाकी के 9 टेररिस्ट को इसी ने पर्सनली ट्रेन किया था। सत्ताईस नवंबर को उमवी ने अपने टेररिस्ट को ओबेरॉय और ताज दोनों बिल्डिंग्स को जला देने का ऑर्डर दिया। अरे डॉक्टर कहाँ है? वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कल के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इंडिया ये कहती है कि उसे शदीद कार्रवाई चाहिए तो इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। जान ही ले रही इसने है। ओ भाई क्यों मिनट बाद फोन कर रहे हो? मसरूफ है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को रोकिए, इंजेक्शन ना लगा पाए। रोको डॉक्टर साहब को। इस तरह आज लाहौर की आवाम में एक नहर पैदा हुई है, ये पाकिस्तान के हर शहर में पैदा होगी और इंडिया को बर्बाद, कश्मीर को आजाद करेगी। चाहती है ये इंडिया कि दौर बदल गया है, अब जहाद का दौर है। कैसे कैसे खेल खेले हैं यहाँ। आखिर क्या चाहता है, क्या चाहता है इंडिया? हमारे कश्मीरी बिरादरान के मुहाफिजों को दहशतगर्द। जेल के सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? बेवकूफ सारे। शहर से बाहर जाने वाले सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दो। एयरपोर्ट्स, लैंड बॉर्डर्स, ट्रेन्स, बसेस, सारा का सारा शहर बंद कर दो। शेख साहब कहाँ है? हरी सईद कहाँ है? दहशतगर्द कहता रहे और हम रैली में। रैली से निकालो हमारे आदमियों के साथ, उन्हें घर भिजवाओ अभी। हरी सईद का रिश्ता क्या? वो डॉक्टर, उसे कुछ बताया? उसने कुछ नहीं किया सर। तो फिर क्लिनिक में ही किसी ने इंजेक्शन बदल दिए थे सर। उसकी तरह दुपट कर बैठ जाए? हरगिज नहीं। सुन लो इंडिया वालों, पाकिस्तानी आवाम
क्यों किया बीबी? पाकिस्तान के लिए। बीबी भी कहा है एग्जिट प्लान क्या है? अब एयरपोर्ट तक पहुंचना नामुमकिन है सर। दानियाल वो लोग मिनटों में पूरा शहर बंद कर देंगे। इससे पहले तुम वहां से निकल जाओ किसी भी तरह। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ सर। ओके ठीक है, लेकिन अपना फोन ऑन रखना। जी। अपने कपड़े निकालो जल्दी। एक्सपायर हो रहा है, रिन्यू करवा। ठीक है, ओके। जान दे भाई। सर क्या कर रहे हैं सर? मैं सच कह रहा हूँ अल्लाह कसम, ये आदमी अकेला आया था मेरी दुकान में शादी का सामान लेने के लिए। शादी किसी से? क्या भाई, बच्चा बस होने वाला है, कहाँ टूट रहा है बेचारी को, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना है। एक मिनट लगेगा, बस चेक कर लेता हूँ। अरे कमीने, मेरी जान निकल रही है, जल्दी चलो यहाँ से। एक मिनट लगेगा, चेक कर लेता हूँ भैया, एक मिनट। अरे तुम्हारी माँ नहीं है क्या बदजात? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं चेकपोस्ट में आके एक एक को जान से मार दूंगी। कमीने जल्दी जल्द। यहाँ से इंडिया बॉर्डर बस 26 किलोमीटर की दूरी पर है, इस एरिया का चप्पा चप्पा कवर कर दो। सर लाहौर के आसपास का सारा बॉर्डर एरिया वो लोग 100% बंद कर देंगे सर। सर यहाँ डेरा नानक पे हमारे कुछ लोग हैं, उनको बोलिए कि वो लाहौर से नॉर्थ की ओर ड्राइव करें। बॉर्डर जाने वाले लालो और धिलवान के रास्ते भी बंद करवा दो, हर गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन सर वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से तो निकल सकते हैं या फिर ईरान। लेकिन बॉर्डर तो नॉर्थ में भी बंद। सर सारे लैंड बॉर्डर्स बंद हो चुके होंगे, उनसे कहिए साउथवर्ड्स ड्राइव करते रहें कराची की तरफ। लेकिन ऐसे तो वो पाकिस्तान के और भी अंदर फंस जाएंगे। सर दानियाल भी वैसे ही आ सकता है जैसे वो लोग आए थे कराची से बोट में। लेकिन कराची पहुंचने में हमें कम से कम 10 घंटे और लगेंगे सर। और कोई रास्ता नहीं है दानियाल, पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है।
26/11 के बाद कराची के मनोरा जेटी पेट्रोल पंप पे हमने एक आदमी प्लांट किया था सर, वो आदमी दानियाल को वहां से अपनी बोट में ले जा सकता है। सर लेकिन क्या? सिर्फ पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स की लिमिट तक, उसके आगे पाकिस्तानी नेवी उन्हें इंटरसेप्ट कर लेगी। सर मुझे लगता है हमें अपनी बोट पाकिस्तानी वाटर्स तक भेजनी चाहिए। वो तो मुझे भी मालूम है, उसके लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। शिट, ये बस जनाब हरीश सईद और उमवी मारे गए? जी सर, न्यूज रिपोर्ट्स बस आती ही होंगी। तुम्हें कैसे मालूम? सर उन दोनों को हमारे आदमी ने मारा है। बोल सर जी, भाईजान के सफेद सुजुकी की गाड़ी है। एक नौ जीरो एक साढ़े चार दो, ऐसे कुछ नहीं कहता, बताना पड़ेगा। लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। जी जनाब, LEA 1901। जी जनाब, 11 बजे, सुबह 11 बजे जनाब। सर सुबह 11 बजे लाल कुआं चेक पॉइंट से कराची पुलिस को गाड़ी का नंबर भेजो। लेट मी बी ब्लंट सर, क्या सबाउद्दीन उमवी और हारिस सईद को इंडिया ने मरवाया है? नहीं, इन दोनों की मौत से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। लेट मी स्ट्रॉन्गली रिएट्रेट एट दिस पॉइंट दैट इंडिया डज नॉट बिलीव इन विजिलेंट जस्टिस। आज मीडिया का एक आईडिया है सर, की बातें नहीं उछालनी चाहिए। मिस्टर रॉय, सर दानियाल खान का फोन आया था सर, वो कह रहा था कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को सरेंडर करने वाला है और उनसे ये भी कहने वाला है कि दोनों किलिंग्स के पीछे भारत सरकार का हाथ है। नॉनसेंस सर, दानियाल ने धमकी दी है सर, वो कह रहा था कि आधे घंटे के अंदर वो सरेंडर कर देगा। जब तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है हमें क्या ऐतराज है। रोक भाई रोक। सर यस सर, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नेवी से बात कर रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ से आ रहे हो? जी जनाब। लाइसेंस दिखाओ। जी जी, LEA 1901। समित। यस सर। पालम एयरबेस पर तुम्हारे लिए एक नेवी प्लेन तैयार खड़ा है, वो तुम्हें वेस्टर्न नेवल बेस तक ले जाएगा। मुझे सर? लाहौर का बना हुआ है लाइसेंस। जी चलो निकलो। और जाने दो भाई। LEA 1901। ठीक है जाओ। कहाँ जा रहे हो? जी मौरीपुर। हमारा एक बंदा ही लेते जाओ यार। जी चलो आजा। ओ शर्म करो, जनानी बैठी है पीछे से। चला आ बैठ।
हम आपको पाकिस्तानी समंदर पार करा देंगे, वहां से इंडियन नेवी आपको उठा लेंगे। मेरा सैटेलाइट फोन ऑन है, इसमें उनको हमारी लोकेशन पता रहेगी और वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। गाड़ी मौरीपुर को जा रही थी। मुझे लगता है सर मनोरा जट्टी की तरफ जा रहे हैं, यकीनन बोट से निकलने वाले हैं सर। नेवल कमांड को आगाह करो, इस एरिया की सारी बोटों को रोक ले। मसला हो जाएगा सर, मनोरा और मौरीपुर से तो बेशुमार बोटें निकलती हैं। I don't care! पानी में जितनी किश्तियां हैं सबको रोक दो, हर एक को। समित, ये सब ये बोट की पोजीशन है जो उनके सैटेलाइट फोन के सिग्नल से मिल रही है। ओके सर। 10 मिनट में ये बोट इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाएगी। रुक क्यों गए? किनारे से इतनी दूर क्यों? मच्छी का पीछा पकड़ रहे हैं हुजूर, आजकल बहुत कम हो गई है। चेक करो। रुक जरा। उधर पीछे चेक करो। उधर पीछे भी। हमारे आगे और भी कोई बोट्स थी? मालूम नहीं हुजूर, या तो बस्ती घूम रही है। बस्ती क्लियर है जनाब। मुझे लगता है इन्हें रोका गया, दोनों बोट रुकी हुई। जनाब लाइट घुमा उधर। करो उधर पानी में। बोट अभी भी पाकिस्तान के पानी में, लेकिन वहां तक हम जा नहीं सकते। यहां से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इससे आगे जाने के ऑर्डर्स हमारे पास नहीं है। उन्हें इंटरनेशनल ऑर्डर्स में आना होगा। राजी की तरह वापस बोट घुमाओ। हुजूर लेकिन हम मेरे कारा घुमाओ, चलो मेरे साथ। ठीक है हुजूर। नेविगेशन चार्ट दिखाओ। चलो अंदर। वेयर ए मिनट, ये पाकिस्तान वापस क्यों जा रहे हैं? लौटना पड़ेगा। सर वो यहीं है, वो यहीं पर है सर, जहां बोट रुकी थी दानियाल वहीं पे है, हमें बस वहां तक जाना है सर। आई एम सॉरी, हमारे पास पाकिस्तानी बॉर्डर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। टर्न सर रॉन्ग, वी हैव टू गो बैक। नो सर, नो सर, हम उनसे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे हैं सर, हम उसे छोड़ नहीं सकते। मैं कह चुका हूं हमारे पास पाकिस्तानी वाटर्स में जाने के ऑर्डर्स नहीं है। टर्न बैक। नो, सर 26 नवंबर 2008 की रात को आप कहां थे? कहां थे आप उस रात जब सिर्फ 10 लोगों ने हम 100 करोड़ लोगों को बेइज्जत किया था? आप जहां भी थे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको भी कमजोरी का, लाचारी का और बेइज्जती का एहसास हुआ होगा। आपका भी खून खौला होगा मेरी तरह, पूरे देश की तरह। और
सर ये आदमी जिसको हम डूबता हुआ मरने के लिए छोड़ रहे हैं, सर इसने अकेले उन सब लोगों को मारा है जिन्होंने उस दिन हिंदुस्तान को उसके घुटनों के बल गिरा दिया था। सर अगर आज हम इस आदमी को नहीं बचा पाए तो इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का, सर इस सब का क्या फायदा है? सर इट्स ऑल यूजलेस। हमारी चाय रह जाएगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चाय तो पी के रहूंगी, चाहे मैं मर तक प्यार के क्यों ना जाना पड़े। तो ठीक है नवाज मिस्त्री, एक कप मेरे लिए भी पी लेना। ढलती रात का एक मुसाफिर, सुबह अलविदा कह चला, जीते जी तेरा हो सका मिशन के लिए। हां क्यों कहा?
क्योंकि मैं दिलावर सिंह की आंखों में अपने लिए फिर से वही इज्जत देखना चाहता हूं। वही से लूट जाता हूं, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ। मैम, हम आपको बेशक ले जाने आए हैं। पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। दो। मेरा बेटा ताज में वेटर की नौकरी करता था, उस रात उसे भी मार दिया गया। आज जब मुझे पता चला कि उन कातिलों को खत्म कर दिया गया है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेटे के रूह को सुकून मिल गया है। इसलिए आज मैं पैसे नहीं लूंगा। हाँ चाचा जी। हाँ एक और कप चाय मिल सकती है? जरूर जरूर।